यूपी के रामपुर में सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजम खान के बचाव में पूरी तरह उतर आए हैं। आज रामपुर पहुंचे जहां सैकड़ों की तादाद में उनके काफिले के साथ सपा नेता देखे गए। साथ ही अखिलेश यादव एक विशाल जनसभा को संबोधित करने आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पहुंचे, जहां सपा समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही अब्दुल्ला आजम ने अखिलेश के माल्यार्पण कर उनका शुक्रिया अदा किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सांसद आजम खान पर दर्ज मुकदमों को लेकर कहा कि भाजपा वालों तुम जेल बनाओ, हम जेल जाने को तैयार हैं। वहीं मन से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान ने जोहर यूनिवर्सिटी अपने लिए नहीं बनाई है, यह हमारे लिए नहीं बनाई है, या अब्दुल्ला आजम खान के लिए नहीं बनी, हम तो नहीं पढ़ने जाएंगे। आजम खान ने यह यूनिवर्सिटी आने वाली पीढ़ी बदल जाए वो खुशहाली के रास्ते चलने लगे। कौन करता है इतना बड़ा काम, हिम्मत जुटानी पड़ती है तब होता है काम। वहीं अखिलेश ने मौजूदा भाजपा सरकार पर निशाना साधा, कहा जो लोग सरकार में हैं कभी उनका बायोडाटा पड़ा है? आप हमसे कहते हैं कि यह गुंडों वाली पार्टी है, मेरे पास मुकदमों की FIR है जिसमें मौजूद मुख्यमंत्री के खिलाफ न जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं और वो भी गंभीर हैं। उन्होंने देश की जनता को इस बात का पता है। वहीं अखिलेश ने अपने पिता मुलायम पर एक दिन में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होने की बात कही, कहा सरकार कभी कभी भटक जाती है। नेताजी पर भी एक रात में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे, हमें कानून पर विश्वास किया और सब खत्म हो गया। अब आजम खान पर भी 80 मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, वो भी बकरी चोरी भैंस चोरी, हद हो गई। हमें देश के संविधान पर पूरा भरोसा है, यह मुकदमे भी सब खत्म हो जाएंगे। हमारी सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे, लेकिन अब देख लीजिए कैसे लोग सरकार में बैठे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कैसे कैसे मुकदमे हैं, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ कितने मुकदमे हैं। जब ऐसे लोग सरकार चलाएंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? भाजपा ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। संसद में तमाम महिलाएं सांसद एकजुट हो गई थी, लेकिन उन्नाव की घटना को लेकर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहां तो सरकार ही दुष्कर्म के आरोपियों को बचा रही है। दरअसल उसमें भाजपा का विधायक भी शामिल रहा है। अखिलेश ने किसी का नाम न लिए बगैर कहा कि मैं महिला सांसद से जानना चाहता हूं कि उन्नाव हुआ कहां है, आप शाहजहांपुर में भी एक बेटी के साथ रेप हुआ कहां है आप। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा का असली चेहरा यही है, कुछ दिन के लिए सत्ता में रह सकते हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं। इसी तरह शाहजहांपुर में भाजपा नेता के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करने में भी पुलिस आनाकानी कर रही है। वो यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे कि विभाग बदले, लोग का जीवन बदले, आने वाली पीढ़ी का रास्ता अच्छा हो, और ये सरकार उनमें मुकदमे लगा रही है, एक के बाद एक मुकदमा, और ऐसे मुकदमे लगता है कोई लिखने वाला एक ही है, कोई भाषा भी एक है। हम आप ना पता करें, लेकिन ऊपर वाला मुकदमे हैं, क्या देश नहीं जानता इस बात को?
भाग्य बदल जाए। और कौन करता है इतना बड़ा काम? हिम्मत जुटानी पड़ती है कब होता है इतना बड़ा काम? क्यों नहीं बनी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी? सोचो आप कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी आगे यहाँ के पास आपको इतना बड़ा फैसला लेने के लिए, क्या जमीन इकट्ठी कैसे होगी, ये बिल्डिंग कैसे बनेगी, और जो लोग यूनिवर्सिटी में गए होंगे आपको बताना चाहते हैं। सरकार कभी कभी रास्ता भटक जाती है। एक बार याद हो गए समाजवादी लोग हैं और पत्रकार साथी भी हैं, नेताजी पर भी एक रात में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। पता नहीं इनकी सरकार थी, किसी ने समझाया और रात में ही 100 से ज्यादा मुकदमे थे। तो रामपुर में आने के आज था जो 100 मुकदमे थे, हमें भरोसा है देश के संविधान पर, हमें भरोसा है देश के हमारे जितने भी न्याय उनसे भरोसा है। नेताजी पर 100 से ज्यादा मुकदमे लगे लेकिन न्याय में गए, न्याय में मदद की और सारे के सारे मुकदमे खत्म हुए, एक भी दोबारा मुकदमा नहीं। हमें भरोसा है न्याय पर, न्याय में भी हम लड़ाई लड़ेंगे और जिस तरीके से न्याय ने मदद की है हम न्याय का भी धन्यवाद देते हैं। वो आने वाले समय में जब बात रखी जाएगी तो न्याय एक बार फिर हमें बड़ी मदद करेगा जो पहले मदद की। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।